हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू एवरीवन जो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर, ग्रेडअप के प्लेटफॉर्म पर, ग्रेडअप के चैनल पर, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वेरी गुड इवनिंग सभी लोगों को। और ये जो हमारा जो आज का सेशन है, इसको स्पेशली डिज़ाइन किया गया है करंट अफेयर्स के लिए। दिस सेशन हैज़ बिन डिज़ाइन फॉर द करंट अफेयर्स। और हम इस सेशन में बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स से जुड़े हुए क्वेश्चंस की। देयर विल बी सम क्वेश्चंस ऑन बेस्ड ऑन द करंट इवेंट्स, बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स, एंड वी विल डिस्कस दोज करंट इवेंट्स क्वेश्चन। एंड यू ऑल नो एज वी आर गेटिंग इन टू द कॉम्पिटेटिव द सिनेरियो, एज वी आर गोइंग इन फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस, द स्कोप ऑफ करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैज इंक्रीज्ड ट्रिमेंडियसली। एंड आपको जो भी एग्जामिनेशन आप लोग देते हैं, चाहे वो जो है डिफेंस रिलेटेड एग्जामिनेशन हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज रिलेटेड एग्जामिनेशन हो, जो करंट इवेंट्स हैं वो काफ़ी पूछे जाते हैं। और इसी वजह से हम जो है चाह रहे हैं कि जो ये जो सेशन है करंट इवेंट्स का, वो जो है करंट इवेंट्स का सेशन जो है वो हम होल्ड करें। सो क्विकली, हाउ मेनी ऑफ यू आर प्रेजेंट, जल्दी से आ जाइए, जितने भी लोग हैं जल्दी से आइए और देखते हैं कितने लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश चंद्र, जय हिंद। दिवाकर पांडा, गुड इवनिंग। तन्मय, संध्या तोमर, गुड इवनिंग। अंकुर, गुड इवनिंग। सतीश चंद, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू सतीश? हेलो प्रियंका त्रिवेदी, सचिन देसाई, गुड इवनिंग। All right, so let's start with the session. Let us start with the session that we have planned for you. Okay, nice to know, Satish Chand. Okay, so we'll start with the session that we have planned based on the current events. So there will be certain current events questions that will be asked for you. Okay, thank you. So we are bringing this up, Ankur Dixit. You have been waiting for this, and we are waiting to deliver this. Anuj, Jai Hind. Pranjal, good evening. Venkat, good evening. And Gaurav Kumar Yadav, good morning. It's not morning, it's evening. Gaurav Kumar, शायद आप अभी जगे हैं, लेकिन कहते हैं जब जगो तभी सवेरा, तो ठीक है, गुड मॉर्निंग जो है। हरप्रीत सिंह, हैप्पी, जय हिंद। सुमित तिवारी, गुड इवनिंग। रोहन, गुड इवनिंग। तन्मय, यस वी आर स्टार्टिंग नाउ, वी आर जस्ट स्टार्टिंग इट। ऑलराइट, यू आर ऑन टाइम, यू हैव नॉट मिस्ड एनीथिंग। राखी राय, गुड इवनिंग। Rishabh Rana, good evening. Okay, all right guys, so I guess maximum of you are present now, and let us start with the session. Let us move forward with the current affairs section. And as I was telling you, that current affairs is a very crucial, it is playing nowadays very crucial role in any of the examination that you are setting up. And this examination is very, very, it's very crucial. This portion is very crucial for the examination. So we have planned certain questions for you. All right. यस गौरव, ये क्लास जो है वो रेगुलर चलती है, ठीक है। रेगुलर मैं कोई ना कोई सेशन जो है वो लेता रहता हूँ आप लोगों के लिए, प्लान करते रहते हैं हम लोग कि आप लोगों को बेहतर और अच्छी चीज़ें जो है वो किस तरीके से दी जाए। तो ये क्लासेस जो है वो रेगुलर चलती रहती है। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। एंड यू हैव द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, एंड इट सेज, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वन द मेन्स सिंगल्स टाइटल एट इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन और ITTF चैलेंज इंडोनेशिया ओपन 2019 टेबल टेनिस टूर्नामेंट हेल्ड एट बाटम इंडोनेशिया। एंड द ऑप्शंस आर इन द फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, शरत कमल अचंता, सत्यान गणेश शेखरन, एंथनी अमलराज एंड हरमीत देसाई। ओके, तो नहीं, अभी तक मेरे को सही जवाब नहीं मिला है।
Okay, Satish Divakar, Venkat, ठीक है, तो मेरे को लग रहा है कि पहला ही क्वेश्चन बहुत टफ पूछ लिया गया है. जो आप लोगों के जवाब हैं वो सही नहीं आ रहे. सिर्फ तीन लोगों के अब तक जवाब मेरे पास सही आए, सतीश दिवाकर एंड वेंकट. इसका जो सही जवाब है दैट इज हरमीत देसाई. द राइट आंसर इज हरमीत देसाई. मैं आपको बता दूं, हरमीत देसाई जो है वो इंडियन पेडलर है, वो जो है टेबल टेनिस खेलते हैं, और ये उनका पहली बार जो फॉरेन सॉइल है, जो बाहर विदेशी धरती है, विदेशी धरती पर इनका जो फर्स्ट जो मेडल है और फर्स्ट जो उनका जो मेन सिंगल टाइटल है वो उन्होंने जीता है इंटरनेशनल एरिना में. ये इनका फर्स्ट टाइटल है. इससे पहले इन्होंने जुलाई 2019 में कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप जीती थी, लेकिन उसके बाद ये दूसरा इनका जो है इंटरनेशनल जो है आपका अवार्ड है जो इन्होंने जीता है एट द इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन चैलेंज इंडोनेशिया ओपन 2019, जो कि खेला गया कहां पर? बाटम, इंडोनेशिया. ऑलराइट, तो ये इनका जो है सबसे पहला जो है आपका फॉरेन कंट्री में फॉरेन जो है टाइटल जो है फॉरेन सॉइल पर, फर्स्ट टाइटल ऑन फॉरेन सॉइल जो है वो है इंडोनेशिया में इन्होंने ये जो मैच है वो खेला था. ऑलराइट, रोहित यादव एक्स ग्रुप के लिए भी हम जल्दी ही स्टार्ट करेंगे. देयर इज नथिंग टू वरी. हम जल्दी ही प्लान कर रहे हैं कि जल्दी जो है आपका जो जो ये एक्स वाई ग्रुप है उसके लिए भी हम जो है सेशंस जो है वो लेकर आए. ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप देखेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज होस्टेड द 11th एडिशन ऑफ ब्रिक्स समिट फ्रॉम 13 to 14 November 2019. आपको बताना है ब्रिक्स समिट कौन से शहर में हुई है, एंड द ऑप्शन आर हांगजाउ, ब्रासिलिया, बेजिंग और जोहान्सबर्ग. आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं. ओके, सो मेरे पास ऑप्शंस आ रहे हैं और शायद ये पहले वाले से थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इसके जो जवाब है वो मुझे लगभग सही मिल रहे हैं. हाँ बिल्कुल, जितने भी जवाब आए हैं वो सारे अभी तक सही जवाब आए हैं, एक को छोड़कर. ठीक है, अब एक जवाब जो है उसने मेरा मूड थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल शशांक, आपका जो जवाब था वो गलत था. ठीक है, इट्स ओके अंकित, अभी हम सेकंड क्वेश्चन पर ही है, हमने ज्यादा जो है मिस नहीं किया, इससे पहले सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया था. ठीक है अंकित भट्टागर, इट्स ऑल राइट. बिल्कुल, तो मेरे पास जो है, हाँ शशांक अब आपका आंसर सही है, ब्राजील, ब्राजीलिया, ब्राजीलिया विच इज इन ब्राजील होस्टेड द 11th एडिशन ऑफ ब्रिक्स समिट फ्रॉम 13 to 14 November. और मैं आपको यहां पर बता दूं कि यहां पर जो इसके जो थीम था, थीम वॉज, थीम क्या था इसका, कौन बताएगा? थीम वॉज इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर इनोवेटिव फ्यूचर. This was a theme for the 11th BRICS summit that held. BRICS is a congregation of five nations: Brazil, Russia, India, China, and South Africa. So these are the five nations which are whom the group BRICS is used. All right. Sumit Tiwari, what is EGIF? Okay, economic growth for innovative future. All right. All right. Right, right. Okay, so moving ahead, I'll move to the third question that is on your screen. And it says, which of the following shooters has won the gold medal in men's 10 meter air pistol event in 14th Asian Shooting Championship 2019 held in Doha? And options are Kim Song-guk, Saurabh Chaudhary, Farooghi Javed or Joseph Gulfam. Aditya, there is no such which months, from which months or how many months current affairs will be asked in the examination. You should be aware of the current events for about like past 1 year.
All right, the major of the current events that happened in the last 1 year, you should be aware of them. All right, so मेरे को यहाँ पर जो जवाब मिल रहे हैं वो थोड़े से गलत मिल रहे हैं क्योंकि आप लोग जो है मेरे को सौरभ चौधरी जवाब दे रहे हैं. सौरभ चौधरी जो है वो इसके सही वो इसका सही जवाब नहीं है. इसका सही जवाब है किम सोंग कुक. ये कोरिया के हैं और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है. सौरभ चौधरी जो कि इंडियन है इन्होंने जो है सिल्वर मेडल जीता है. एंड जो फरोगी जावेद है ये ईरान के हैं एंड ही वॉन ब्रॉन्ज मेडल. सो आप अगर देखेंगे तो जो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ए किम सोंग गुक हु इज फ्रॉम कोरिया एंड ही वॉन द गोल्ड इन 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट एट द 14th एशियन शूटिंग चैंपियनशिप इवेंट. ऑलराइट, सो इट इज किम सोंग गुक. राइट, moving ahead on the fourth question, and it is, what is the theme of 10th? What is the theme of 10th World Pneumonia Day 2019? Options are healthy lungs for all, stop pneumonia, 10 years of progress and the path forward, global coalition to eradicate pneumonia, and vaccinate for pneumonia. No one should exclude. Alright, बताइएगा मेरे को इसका सही जवाब क्या है. वर्ल्ड निमोनिया डे जो है कब सेलिब्रेट होता है पहले तो मेरे को यही बता दीजिए. वर्ल्ड निमोनिया डे जो है ये 12 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है. ये जो ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड निमोनिया डे सेलिब्रेट आई एम सॉरी इट इज नॉट सेलिब्रेटेड बट ऑब्जर्व्ड इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 12th ऑफ नवंबर एंड वर्ल्ड निमोनिया डे स्टार्टेड फ्रॉम 2009 इनिशियली फ्रॉम 2009 एंड दिस वॉज द 10th anniversary of World Pneumonia Day. It has been 10 years since the World Pneumonia Day was instituted in 2009 for the first time. Alright, so this was 10th anniversary. और आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या है. इसका जो जो theme है आपको इसकी theme जो है वो बतानी है. And the theme is, हाँ बिल्कुल मेरे पास बहुत सारे जो है सही जवाब आए हैं. प्रियंका त्रिवेदी, हिमांशु, वेस्ट चंपारण बिहार से भी मेरे पास जवाब आ रहा है. चंपारण बिहार बहुत दूर है, ठीक है, वहाँ से भी मेरे पास जवाब आ रहे हैं. हिमांशु सिंह, बिल्कुल आप वेस्ट चंपारण बिहार. हरप्रीत सिंह हैप्पी. राघविंदर एंड शशांक, राघविंदर नामदेव, दिवाकर पांडा, अंकित भटनागर, यस आप सभी लोगों के जवाब सही है. इसका जो सही जवाब है वो है हेल्दी लंग्स फॉर ऑल. जो वर्ल्ड निमोनिया डे जो कि 12 नवंबर को जो है ऑब्जर्व किया जाता है उसका, बिल्कुल हिमांशु आपका जवाब बिल्कुल सही है, ठीक है, उसका जो सही जवाब है दैट इज हेल्दी लंग्स फॉर ऑल. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आप अपनी स्क्रीन पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है एंड इट सेज द 14th एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2009 वाज हेल्ड इन विच कंट्री. आपको कंट्री का नाम बताना है और आपके सामने कंट्रीज है दोहा कतर, देन तेहरान ईरान, सियोल इन साउथ कोरिया और टोक्यो इन जापान. आपको बताना है कि कहां पर जो है ये जो आपकी 14th एशियन शूटिंग चैंपियनशिप है ये हुई. बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले ही जब आप लोग सौरभ चौधरी वाला जवाब दे रहे थे तो उसी में इसका जवाब छुपा हुआ था, ठीक है. इसका जो सही जवाब है वो है दोहा कतर, ठीक है. इसका जो सही जवाब है दैट इज दोहा कतर. दोहा में एक शूटिंग कॉम्प्लेक्स है विच इज नोन एज लुशैल. लुशैल शूटिंग कॉम्प्लेक्स में जो है ये चैंपियनशिप जो है वो हुई, वो जो है ऑर्गेनाइज की गई. लुशैल शूटिंग कॉम्प्लेक्स, ओके. सो राइट आंसर इज दोहा कतर. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आप देखिएगा जल्दी से. विच कंट्रीज जीडीपी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो मोर एट 86% फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड इन 2020 एज पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड द ऑप्शंस आर स्वाजीलैंड, गुयाना, नाइजीरिया और कॉन्गो. ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं लगातार तो ही आप बता पाएंगे. यस,
मेरे को अच्छा लगा ये जानकर कि आप लोग जो है लगातार क्वेश्चंस जो है वो देख रहे हैं और साथ ही साथ आप उसके सही जवाब भी दे रहे हैं. मेरे पास जो सही जवाब आया मैं बताता हूँ, वेंकट, संगीता सिंह, सोनाली, सतीश चंद्र, बिल्कुल सही जवाब है आपके, कृष्ण झा आपका भी जो जवाब है वो बिल्कुल सही, अंकित भटनागर, ठीक है, वेस्ट चंपारण बिहार आपका जो जवाब है वो गलत हो गया है, आदर्श आपका जवाब बिल्कुल सही है, ठीक है, और तन्मय आपका जवाब गलत है, फिर उसके बाद हरप्रीत एंड प्रियंका त्रिवेदी आप लोगों के जवाब बिल्कुल सही है. इसका सही जवाब है गुयाना. विकास पाल, वेरी गुड इवनिंग. इसका सही जो जवाब है दैट इज गुयाना. मैं आपको बता दूं गुयाना जो है ये साउथ अमेरिका में एक कंट्री है, साउथ अमेरिका की एक कंट्री है और यहां पर अभी हाल ही में जो है डिस्कवरी ऑफ ऑयल हुई है, यहां पर जो है तेल का जो है भंडारण जो है वो खोजा गया है और वो खोजा है एग्जॉन मोबिल कॉरपोरेशन. तो ये जो एग्जॉन मोबिल कॉरपोरेशन है इसने जो है यहां पर गुयाना में ये तेल का जो भंडारण है, द रिजर्व्स ऑफ ऑयल इट हैज़ बीन यू नो डिस्कवर्ड बाय एग्जॉन मोबाइल कॉर, और उसके बाद ये माना जा रहा है कि गुयाना की जो जीडीपी है वो 14 टाइम्स हो जाएगी चाइना के, 14 टाइम्स जीडीपी ऑफ चाइना. इतनी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है वो कि 2020 में ये आईएमएफ का प्रोजेक्शन है कि जो गुयाना की जीडीपी है वो 14 टाइम्स द जीडीपी ऑफ चाइना के अकॉर्डिंग जो है वो ग्रो करेगी, और विद इन 5 ईयर्स ये माना जा रहा है कि गुयाना की जो पूरी इकोनॉमी है उसका 40% जो है, उसका 40% जो है जीडीपी का दैट विल कम फ्रॉम द ऑयल सेक्टर. ऑलराइट, आरती कुमारी, हाँ बिल्कुल, आप CDS 2020 की चाहे प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप जो है एफकैट की प्रिपरेशन कर रहे हो, ऑल दीज करंट इवेंट्स आर यू नो यूजफुल फॉर ऑल द एग्जामिनेशंस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, राफेल मारियानो ग्रोसी हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एंड ही बिलोंग्स टू विच कंट्री, आपको बताना है कि वो किस कंट्री को बिलोंग करते हैं, कौन सी कंट्री में जो है ये, कौन सी कंट्री के ये है, आपको बताना है सही जवाब. और ऑप्शंस जो आपके सामने हैं, ऑप्शंस आर चिली, ब्राजील, अर्जेंटीना एंड इटली. ऑलराइट, तो मैं आपको बता दूं कि राफेल मारियानो ग्रोसी ही सक्सीडेड युकिया अमानो ऑफ जापान. युकिया अमानो ही पास्ड अवे इन जुलाई दिस ईयर एंड आफ्टर द पासिंग ऑफ युकिया अमानो हु वाज द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और IAEA, ही पास्ड अवे इन जुलाई एंड आफ्टरवर्ड्स राफेल मारियानो ग्रोसी ही सक्सीडेड हिम एंड ही इज फ्रॉम अर्जेंटीना. वो अर्जेंटीना से है, ठीक है, वह अर्जेंटीना से, बिल्कुल काफी लोगों ने मेरे को सही जवाब दिया है, अर्जेंटीना से जो ये है. और इसी के साथ मैं बता दूं, ही हैज बीन अपॉइंटेड एज डीजी और डायरेक्टर जनरल फॉर 4 इयर्स. जो टर्म होता है डीजी का वो 4 इयर्स होता है, ठीक है, तो वो 4 साल के लिए अपॉइंट किए गए हैं. और IAEA जो है इट वॉज सेटअप इन 1957. ऑलराइट, 1957 में जो है ये IAEA जो है ये फाउंड की गई थी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल देवास की सांस्कृतिक परंपरा रिलीज्ड ड्यूरिंग द डिजिटल भारत डिजिटल संस्कृति इवेंट बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड टूरिज्म मिस्टर प्रहलाद सिंह. ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू आर जीवन सिंह ठाकुर, मृदुला गर्ग, कृष्ण सोबती, नीलम सक्सेना चंद्रा. ओके, सो इसका मैं आपको आंसर दे दूं, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है, जो बुक है आपकी देवास कि सांस्कृतिक परंपरा, इसको लिखा है बाय जीवन सिंह ठाकुर की बुक है ये, ठीक है. इसका जो सही जवाब है, हिमांशु बिल्कुल आपका जवाब सही है, ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है जीवन सिंह ठाकुर.
Alright, उसके बाद हम next question की बात करते हैं. Who among the following has been conferred with Udyog Ratan Award 2019 by Institute of Economic Studies in an award function held at New Delhi for his work in transforming how micro, small and medium enterprises or MSMEs? And options are Thakur Anoop Singh, Gautam Adani, Mukesh Ambani or Pawan Munjal. Deepanshu Fogart, जो NDA का कोर्स है वो बहुत जल्द लॉन्च हो रहा है. Most probably आपका जो कोर्स है वो 23 तारीख को, ठीक है, 23 तारीख को लॉन्च हो जाएगा. ठीक है, 23 और नहीं तो in the end of December तो हम लॉन्च कर ही रहे हैं. बहुत जल्दी जो है आपका NDA का कोर्स जो है वो हम अनाउंसमेंट लेकर आएंगे. Most probably जो अनाउंसमेंट है आपको NDA के कोर्स की वो नेक्स्ट वीक आपको जरूर दिख जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट वीक मंडे या ट्यूसडे तक हम आपको जो है बता देंगे कि NDA का कोर्स कौन सी डेट से लॉन्च कर रहे हैं. ऑलराइट, तो बहुत जल्द हम लॉन्च कर रहे हैं, NDA का कोर्स बहुत जल्दी लॉन्च होगा. Yes, इसका जो right answer है, that is Thakur Anoop Singh. Thakur Anoop Singh, जो कि chairman और managing director है, Marg ERP के. ठीक है, ये CMD है, Marg ERP. इनको जो है, उद्योग रतन जो है, award for 2019, ये दिया गया है, Marg ERP के जो है, ये जो है, CMD है, chairman और managing director है. और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, वसुदेव जोशी, मैंने आपको अभी बताया कि जो NDA की क्लासेस है, NDA की क्लासेस बहुत जल्द हम लेकर आ रहे हैं. NDA की क्लासेस बहुत जल्द आएंगी, बहुत ही जल्द. There will be classes for NDA. We are, you know, we are preparing for the classes of NDA and most probably in the next week you will see the announcement regarding the NDA classes for the National Defence Academy. You will see the announcement. All right. तो इसमें मैं आपको बता दूं कि जो ठाकुर अनूप सिंह है, ये मार्ग ईआरपी के जो सीएमडी है, चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर है. और उसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आपके जो ठाकुर अनूप सिंह है, इन्होंने काफी ज्यादा एमएसएमई सेक्टर में, दैट इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उस सेक्टर में इन्होंने काफी सारा जो है योगदान दिया है और उनको चेंज करने की कोशिश किया बाय ब्रिंगिंग द टेक्नोलॉजी, बाय लेटिंग देम यूज द टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी की सहायता से इन्होंने जो है ऐसा किया है और इसीलिए इनको उद्योग रत्न अवार्ड दिया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. बहुत आसान है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है. ठीक है, मैं ज्यादा इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप सभी को पता होगा. एंड द नेम ऑफ 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज शरद अरविंद बोबडे. यस, द आंसर इज ए. The correct answer is A. Sharad Arvind Bobde, it is the right answer. और मैं आपको बता दूं, ये हमारे देश के 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं. He is the 47th Chief Justice of India. Plus, इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि his tenure will remain up to 23rd April 2021. He will remain as Chief Justice of India up to 23rd April 2021. एंड इसके साथ साथ एक आर्टिकल भी आपको याद रखना पड़ता है. इस आर्टिकल को आप याद रखिएगा. दिस इज द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 124, अकॉर्डिंग टू विच द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ठीक है, इस आर्टिकल को आप याद रखिएगा. पूछ लिया जाता है, पूछ सकते हैं वो, क्योंकि अभी अपॉइंटमेंट हुआ है. तो ये आर्टिकल अब इंपॉर्टेंट हो जाता है, आर्टिकल 124. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज Who among the following has won the Davis Cup title 2019? आपको बताना है कि Davis Cup जो है 2019 में किसने जीता है? And options are Dennis Shapovalov, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Dominic Thiem. West Champaran, इनसे पहले जो Chief Justice है, his name was Ranjan Gogoi. Yes, the right answer is Novak Djokovic. Novak Djokovic, sorry, this is not the right answer. ठीक है, जो right answer है, that is Rafael Nadal. Rafael Nadal has won the Davis Cup 2019 and before this, he has also won the French and US Open. Along with Davis Cup in 2019, Rafael Nadal has won French Open and US Open. All these three big tournaments of tennis have been won by Rafael Nadal.
Rafael Nadal. The right answer is Rafael Nadal. Alright. Next question on your screen is, Guru Ghasidas National Park is located in which state, which is said to become the state's fourth tiger reserve? Which is said to become the fourth tiger reserve in the state? And options are Uttar Pradesh, Haryana, Madhya Pradesh or Chhattisgarh. Yes, Rakhi Rai, bilkul sahi jawab hai aapka. Priyavart Kumar, aapki jo baat hai mere ko samajh mein nahi aaya, aap dobara se abhi jab last mein hum jab baat karenge tab mere se aap baat kijiyega kya baat aap keh rahe hain. Theek hai, to yahan par aapko batana Guru Ghasidas National Park kaun se state mein hai aur kaun se state ka fourth national park ye banne wala hai. To right answer is Chhattisgarh. Chhattisgarh government ne jo Guru Ghasidas National Park hai usko fourth tiger reserve apne state ka fourth tiger reserve jo hai wo banane ka jo decision liya. Himanshu, naam lene se kuch nahi hoga, naam se kuch nahi hota, karm bade hone chahiye, theek hai, kaam itna bada karo ki puri duniya aapka naam le, theek hai, to wo zaruri hai aur wo tabhi hota hai jab hamare karm hote hain, theek hai, to main ye chahta hu ki aap jo hai jo apna jo naam hai wo itna buland ki kare, apna jo aap jis bhi aim aur jis bhi aap lakshya ke piche daud rahe hain wo lakshya hasil kare aur apna naam bada kare ki har koi vyakti aapka naam le. Right, तो जो छत्तीसगढ़ जो गवर्नमेंट है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने इस चीज को डिसीजन लिया है. और यहां पर मैं बता दूं आपको कि जो आपका जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है उसके जो चेयरमैन है, जो चेयरमैन है वो है आपके भूपेश बघेल. जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है भूपेश बघेल. ऑलराइट, और इसके साथ-साथ मैं बता दूं कि कोई भी जो नेशनल पार्क है उसको टाइगर रिजर्व बनाने का जो 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 डिसीजन लेता है दैट इज बाय एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी. इट इज डन बाय द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी. वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू बलराज दैट यू हैव क्लियर्ड योर एनडीए. आई एम वेरी हैप्पी. ठीक है, बिल्कुल आशीर्वाद रहेगा हिमांशु, बिल्कुल रहेगा. ठीक है, तो NTCA National Tiger Conservation Authority is the authority that is responsible for including any national park into the tiger reserve. और NTCA ने इस चीज का approval जो है वो 2014 में दे दिया था. And now the Chhattisgarh government has come up with a proposal that the Guru Ghasidas National Park should be made as the fourth national park, fourth tiger reserve. तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि बाकी टाइगर रिजर्व्स के नाम क्या है. बाकी तीन टाइगर रिजर्व्स कौन कौन से हैं इस स्टेट में. सबसे पहले है अचनकमार टाइगर रिजर्व इज देयर. ठीक है, अचनकमार के साथ साथ जो है इंद्रावती है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व इज देयर. एंड उदानती एंड सीता नदी, उदानती एंड सीता नदी टाइगर रिजर्व. एंड अलोंग विद द गुरु घासीदास दिस विल बी द फोर्थ. दे आर द थ्री नेशनल पार्क्स दैट आर द टाइगर रिजर्व दैट आर इन छत्तीसगढ़. अचनकमार, इंद्रावती एंड उदानती एंड सीता नदी, दीज आर द थ्री. ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन इज विच कंट्री, यू हैव टू टेल विच कंट्री has will host the multilateral naval exercise Milan 2020 which will be held in March 2020. All right, you have to tell the Milan exercise or the multilateral naval exercise will be hosted by which country, and the options are France, United Kingdom, South Africa and India. Yes, Udanti and Sita Nadi. ऑलराइट, तो मैं यहां पर आपको बता दूं, नहीं आरती आपका जवाब गलत है. ठीक है, तो यहां पर जो सही जवाब है वो है आपका डी,
उसका जो सही जवाब है वो है इंडिया और डी डी इज द राइट आंसर. और मैं आपको बता दूं इस एक्सरसाइज में जो मिलन एक्सरसाइज होनी है इसके लिए 41 कंट्रीज को इनविटेशन भेजा गया है. ये काफी बड़ी एक्सरसाइज होगी. इंडियन नेवी इस एक्सरसाइज को करवा रही है मिलन 2020 को. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है. विच फेमस क्रिकेटर वॉन द पेटा पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 एंड द ऑप्शंस आर रोहित शर्मा, विराट कोहली, मयंक अग्रवाल और एमएस धोनी. ऑलराइट, तो यहां पर मैं आपको जवाब दे दूं इसका. ठीक है, वैसे आपको सभी को पता होगा बिल्कुल सही जवाब है विराट कोहली. विराट कोहली को पेटा पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 दिया गया है. एंड यहां पर मैं आपको बता दूं जो पेटा है इट इज एन एनजीओ दैट इज वर्किंग टुवर्ड्स द अपलिफ्टमेंट ऑफ और द वेलबींग ऑफ द एनिमल्स एंड इट इज बेस्ड इन नॉर्फोक वर्जीनिया. नॉर्फोक वर्जीनिया इन यूएसए. ऑलराइट, दिस पेटा is it stands for people for ethical treatment of animals. People for ethical treatment of animals, iska naam pura jo hai wo hai people for ethical treatment of animals. To ye jo जानवर है उनके लिए जो ये कार्य करती है और इसका जो हेडक्वार्टर है या जो इसका जो जो बेस है द बेस इज इन नॉर्फोक वर्जीनिया यूएसए. ऑलराइट, और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड एट विच प्लेस विच हैज क्रिएटेड द फर्स्ट एवर इंडियन ब्रेन एटलस. फर्स्ट एवर इंडियन ब्रेन एटलस एंड द ऑप्शंस आर बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, हैदराबाद और नागपुर. You have to tell the place where it is located. Alright, so right answer, the right answer for this is Hyderabad. Hyderabad is the right answer. Bilkul sahi baat hai. Ankita Kumari, Krishna Jha aur Himanshu Singh. Aap log jitno ne bhi answer diya, Hyderabad right answer hai. Jo pehla jo Indian Brain Atlas hai, wo Indian Institute of Information Technology dwara banaya gaya hai. Aur yahan par jo sabse jo finding nikal kar aayi hai, wo ye kehta hai ki jo Indian brain hai, it is on average smaller than smaller in height, width or volume. It is smaller than as compared to western or other eastern populations. It is smaller in size. Alright, तो ये जो है यहाँ पर इंडियन जो ब्रेन एटलस है उसमें जो है ये बात निकल कर आई है. और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि एफकैट फर्स्ट 2020 का नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज किया जा चुका है एफकैट एयरफोर्स द्वारा. जो इंडियन एयरफोर्स है इट हैज रिलीज दी एफकैट फर्स्ट 2020 नोटिफिकेशन. एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो एक दिसंबर से शुरू हो चुकी है और आपके पास टाइम बहुत कम है बिकॉज द रजिस्ट्रेशन आर एंडिंग at 30th November and the admit card will be released after 3rd of February and your examination is on 22nd and 23rd February. So all those aspirants who want to join Indian Air Force, the elite force of the world as an officer, they may go through the detailed advertisement and they may file the registration, they may fill the application for AFCAT. Alright, the result of the AFCAT will be released in March 2020 and you will get the SSB registration or SSB call letters after you clear the written examination. So we have brought the course for you to prepare for the AFCAT in a much better way, and that is ACE AFCAT 2020, which is a score booster program, because the written examination marks are calculated along with the SSB marks for the preparation of the merit. So if you score better in your written examination, then only you can have a better merit to find a place in the merit of the AFCAT first 2020. So it is a 60-day course. We are holding the classes for ACE AFCAT examination. We have already planned the ACE AFCAT course. Alright, so these are the things that you will be getting. You will be getting a thorough design 60-day study plan, and the topics will be covered by the live and recorded classes, and you will get study notes, quiz assignment, and also the weekly assessment and the practice question. And also as the exam will appear near to your exam, you will get the mock test and their detailed analysis.
There will be interactive live classes like the live class that we are holding right now. It will be our interactive live classes. All right. So this course offers you 120 plus live classes, 150 plus PDFs, and 3,700 plus practice questions, and also 8 weekly tests from which you can track your progress, and 10 mock tests with detailed analysis, so that you get to score better in your examination. All right, the course language is bilingual. Jo hum padhate hain classes mein wo bilingual padhate hain, but the quizzes and study material, they will be in English. They will not be in Hindi and English. They will be in English. All right, the course will be taught by the expert faculties of very high teaching experience. Among them is Vinod Shankaran sir, who will take your English classes, and he has 15 plus years of experience, and he has mentored more than 2 lakh students. Then we have Dinesh Singh sir, who will be taking your mathematics classes, and again he has 15 years of experience and mentored 5 lakh students. Then this is me, Bhavar Singh Siroi, in front of you, and I'll be taking your defense and polity, and I have more than 7 years of experience in taking the classes of general awareness, and also I have mentored more than 1.5 lakh students. Plus I have been ex-NDA, I was there in National Defense Academy, and also I have cleared civil services examination. All right. Then there is Sharad Mudgal sir, who will be taking your history and current affairs classes, and he has more than 4 years of experience, and in this years of experience he has mentored around 1 lakh students. All right, then we have Saurabh Sharma sir, who will be taking your geography, environment and general science, and he has qualified AFCAT, CDS as well as CAPF examinations, and he has more than 3 years of teaching experience and mentored more than 10,000 students. All right, then we have Kushal Anand sir, who will be taking your reasoning and military aptitude. He is also co-author of Reasoning Ki Goli. There is a book of known as Reasoning Ki Goli, and he has more than 6 years of teaching experience. All right, so this will be how we will be covering your overall course structure. This is a study plan that your history and general awareness classes will be held at 11 o'clock in the morning. Then at 1:30 p.m. we'll have reasoning, military aptitude, maths and defense. Then at 5:30 p.m. you will have polity and current affairs, and then at 8 p.m. you will have English classes. These will be in weekdays. On weekends you will have the weekly assessment or mock tests. All right, so if you want to start the free trial, then you can click on the description box that is given below. If you have any questions, so I was getting a questions about the ND examination. All right. All right. So ND examination, we will be starting off the classes very soon for those who are aspirants of NDA, National Defense Academy. So we will be starting the NDA classes very soon. There will be classes for NDA also. All right. Satish Chandra, we will be launching about the course for Air Force X and Y group shortly, as soon as the course will be launched, the notification will be released. All right, any other questions that you guys have? Manish Kumar, I hope aapko ab pata chal gaya NDA ka batch kab start hoga. Next jo aapka jo week hai usme aapko pata lag jayega, aapko bata diya jayega NDA ka exam kab, NDA ka jo paper hai uski taiyari hum kab se shuru kara rahe hain. Yes, Ankur Dikshit, we are planning a complete course or the interactive classes for SSB preparations also. Yes, we are planning for this. Yes, Himanshu, CDS mock test bhi hoga. Theek hai. Anup Pandey, kya problem hai? What is the problem? Aditya, yes. If there will be exam in the February, then the exam, in the exam you will find the questions in of the months of January. Right? Yes, you can have.
Satish Chandra, jo SSB classes hai, we will be not going through the GTO task because GTO task jo hai wo online nahi hum bata sakte, baki uske alawa baki sab cheezon ke hum jo hai wo planning karenge, theek hai. Yes, Ankur Dikshit, it was a short class, it was just an introductory class aur iske baad jo hamari classes hongi wo thodi si lambi hongi, usme hum kafi zyada questions jo hai wo lenge, right? ओके गाइस इतना ही हम रखते हैं ठीक है और उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी नेक्स्ट क्लास में हम और थोड़े से ज्यादा क्वेश्चंस जो है आपके साथ लेकर आएंगे और क्वेश्चन जो है वो हम प्रिपेयर करके लेकर आएंगे थैंक यू वेरी मच गाइस हैव अ नाइस टाइम गुड इवनिंग एंड गुड बाय थैंक यू